In this lecture, we are going to start a new topic and a new chapter, that is K-maps. K-maps kya hote hain? K-maps ek systematic method hai Boolean expressions ko represent karne ke. Theek hai, jinki wajah se hame simplest form of SOAP aur POS expressions milti hai. Ya hum keh sakte hain minimum expressions hame mil jate hain due to Kernoff map ya K-map. K-map is true table ki tarah hi hota hai jisme all the possible values ऑफ इनपुट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और द रिजल्टिंग इनपुट फॉर ईच वैल्यू को हम शो करते हैं इन अ ट्रू टेबल काइंड ऑफ टेबल. ठीक है, कर्नोफ टेबल क्या होता है? ये एक ऐसा टेबल है जिसमें डिफरेंट सेल्स बने होते हैं, एरे ऑफ सेल्स है ये, और हर एक सेल एक इनपुट वैल्यू को या एक बाइनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. बाइनरी वैल्यूज यू नो जीरो होती हैं या वन होती हैं. इट्स काइंड ऑफ अ टेबल जिसमें डिफरेंट सेल्स हैं और हर एक सेल में ये वैल्यू ज़ीरो होगी या वन होगी. ठीक है, कर्नोफ वैल्यूज़ में के जो टेबल्स हैं वो डिफरेंट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग बनते हैं. लाइक ये टू वेरिएबल मैप भी बन सकता है, फोर वेरिएबल मैप भी बन सकता है, फाइव वेरिएबल भी, एंड नेक्स्ट ऑन हम पढ़ेंगे कि सिक्स वेरिएबल मैप भी बनता है. अकॉर्डिंगली यानी वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली ये डिफर करते हैं. अगर हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है जिसमें दो वेरिएबल हैं, लाइक एफ इक्वल्स टू ए बी, जस्ट ए बी दो वेरिएबल हैं, तो उसका जो कर्नोफ मैप बनेगा या के मैप बनेगा उसमें कितने सेल्स होंगे वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? टू रेज टू द पावर टू इफ़ द वेरिएबल्स आर टू, टू रेज टू द पावर थ्री इफ़ द वेरिएबल्स आर थ्री. तो इसका मतलब टू वेरिएबल के लिए जो के मैप बनेगा उसके सेल्स होंगे फोर, और थ्री वेरिएबल्स के लिए जो मैप बनेगा उसके कितने सेल्स होंगे? एट. और जो फोर वेरिएबल मैप होगा उसके कितने सेल्स होंगे? 16. ऑल राइट, सो अब हम देखते हैं कि टू वेरिएबल के मैप किस तरह से बनता है और उसमें किस तरह से हम मैपिंग करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. टू वेरिएबल के मैप में हमने पढ़ा था टू रेज पर टू इक्वल्स टू फोर, यानी इसके फोर सेल्स बनेंगे. ऐसे ही है, अब इसमें फोर सेल्स में मैपिंग किस तरह से करते हैं यानी मिन टर्म्स को एलोकेट किस तरह से करते हैं? सबसे पहले हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं वो इस साइड पर होती हैं 0 एंड 1, और वाई की वैल्यूज़ इस साइड पर होती हैं अपर साइड पर 0 एंड 1. दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं एक्स और एंड वाई की. ठीक है, अब जो मिन टर्म्स हैं वो किस तरह से एलोकेट होती हैं? M0, M1, M2 एंड M3 ऑर्डर में. ठीक है, अब इस सेल में क्या वैल्यू है एक्स और वाई की मेन टर्म्स में? एज यू नो इफ़ द वैल्यू इज़ ज़ीरो देन एक्स इज़ एक्स डैश एंड वाई की वैल्यू ज़ीरो है तो भी वाई को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? वाई डैश. इसलिए इस सेल में एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो है एंड वाई की वैल्यू भी ज़ीरो है, सो इट इज़ एक्स डैश वाई डैश. इस सेल में एक्स की वैल्यू तो है ज़ीरो, वाई की वैल्यू है वन, इसलिए इट इज़ एक्स डैश वाई. इस तरह इस सेल में x की वैल्यू है 1 बट y की वैल्यू है 0, सो इट इज़ एक्स वाई डैश. और इस सेल को अगर मैं लिखूँ तो इसमें एक्स वाई इसलिए लिखा है क्योंकि x की वैल्यू भी 1 है फॉर दिस सेल एंड y की वैल्यू भी 1 है फॉर दिस सेल. ऑल राइट, इस तरह से के मैप को रीड करते हैं या इसमें वैल्यूज़ एलोकेट करते हैं. उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें एक फंक्शन दे दिया और उसको जस्ट हमें शो करना है के मैप में कि अगर के मैप में हम इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से करते हैं या इसकी मैपिंग किस तरह करते हैं. सो एक्स वाई इज़ द ए पार्ट एक्स वाई. अब मेरे पास एक्स वाई जिस सेल में आता है जब हम मैपिंग करते हैं या वैल्यू को एक फंक्शन को के मैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको इस जहाँ ये वैल्यू आएगी उस सेल में मैंने बाइनरी वैल्यू लिखनी है 1, और बाकी सारे सेल्स में या तो कुछ भी नहीं लिखना या वो एम्प्टी रहेंगे, या ज़ीरो लिखना है या कुछ भी नहीं लिखना. मोस्टली हम कुछ भी नहीं लिखते ज़ीरो लिखने की बजाय. ऑल राइट, अब एक्स वाई आई नो कि एक्स की वैल्यू 1 का है और वाई की वैल्यू भी 1 का है एंड दिस इज़ दिस सेल, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है 1 और बाकी सेल्स हैं एम्प्टी. और सिंपली इस तरह से हम एक बूलियन फंक्शन की मैपिंग करते हैं या बूलियन फंक्शन को के मैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ऑल राइट, उसके बाद है हमारे पास सेकेंड मेन टर्म जो कि एक्स प्लस वाई. नाउ यू कैन सी कि ये कैसा बूलियन फंक्शन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. सो फर्स्टली हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यानी कि मिसिंग वेरिएबल्स कंप्लीट करेंगे और फिर हमारे पास जो मेन टर्म्स आती हैं M1, M2, M3, आई नो दिस इज़ M0, M0 की वैल्यू ही नहीं है इसलिए वो ज़ीरो रहेगा,
देन M1, M2, M3, और इन तीनों में 1, 1, 1 लिख दूंगी. सो दिस इज द के मैप रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन x प्लस वाई. ऑल राइट, उसके बाद अब हम चलते हैं थ्री वेरिएबल के मैप की तरफ. एंड यू नो 2^3 इक्वल्स टू 8. अब थ्री वेरिएबल के मैप में कितने सेल्स बनेंगे? 8. ऑल राइट, और थ्री वेरिएबल्स कोई भी हो सकते हैं, ए बी सी भी हो सकते हैं, सी बी डी भी हो सकते हैं, दे कुड बी एनी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, जब मैप बनता है तो उसमें मिन टर्म्स को किस तरह से एलोकेट करते हैं? पहले हमारे पास टू वेरिएबल के मैप में ऑर्डरली था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है. मेन टर्म्स होंगी M0, M1, M2 एंड M3, यानी M2 जो है वो एक ब्लॉक स्किप करेगी और वहाँ लिखेंगे M2, और फिर M3 उस मिसिंग ब्लॉक में आएगा. दिस इज़ द ऑर्डर, और ये आपको फॉलो करना है इससे आगे जितने भी वेरिएबल मैप्स करेंगे उन सब में. और उसके बाद M3 के बाद M4 नीचे आएगा इन द सेकेंड रो, फिर M5 एंड M6 अगेन जंप करेगा एक ब्लॉक, M6 और फिर आएगा M7. ये इसी हिसाब से आपने मिन टर्म्स को एलोकेट करना है, यानी अगर कोई सेवन्थ फंक्शन मिन टर्म होती तो वो यहाँ आती, और सिक्स होती तो यहाँ आती. ऑल राइट, और फिर हम देख लेते हैं कि x की वैल्यूज़ इस साइड पर होंगी ऑन द लेफ्ट साइड, और अपर साइड पे y z का प्रोडक्ट होगा, यानी वैल्यूज़ होंगी या 0 0 या 0 1 या 1 1 या 1 0. ये वैल्यूज़ आपको याद करनी है. और एक्स वाई जी को कम्बाइन करके वैल्यूज़ क्या होंगी? इस सेल में आपको पता है x की वैल्यू भी 0, y z भी 0, सो इट इज़ x-y-z-. इस सेल में x की वैल्यू 0 है. इस पूरी रो में आप एक चीज़ देख लें, इस पूरी रो के लिए x की वैल्यू 0 है, और इस पूरी रो के लिए x की वैल्यू 1 है. इसलिए यहाँ सिर्फ x आएगा और यहाँ x- आएगा पूरी रो के लिए. लेकिन y z की वैल्यूज़ हर कॉलम के अकॉर्डिंगली डिफरेंट है, सो हम उनको ज़रूर देखेंगे. सो यहाँ पर y की वैल्यू 0 है लेकिन z की वैल्यू 1 है, सो इट इज़ x-y-z. यहाँ पर x- के साथ yz दोनों 1 है, सो इट इज़ yz. और यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 0 है, सो इट इज़ x-y-z-. ऑल राइट, उसी तरह सेकेंड रो में. और जो अच्छा जी, अब x की वैल्यू इस पूरे में अगर मैं देखूँ तो 1 है जस्ट इस रो में, z की वैल्यू 1 है जस्ट इन दो कॉलम्स में, और y की वैल्यू 1 है जस्ट इन दो कॉलम्स में. ये रिप्रेजेंटेशन भी करनी ज़रूरी है व्हेन यू आर प्रॉपरली लेबलिंग अ के मैप. ऑल राइट, दिस वाज इट. आगे हम देखते हैं कि फोर वेरिएबल के मैप किस तरह से बनता है. फोर वेरिएबल के मैप का मतलब ये है कि 2^4 इक्वल्स टू 16 सेल्स का के मैप बनेगा, और वेरिएबल्स कोई भी 4 हो सकते हैं, ए बी सी डी भी हो सकते हैं, या ए बी ई एफ भी हो सकते हैं, दे कुड बी एनी, ठीक है. और इनको जब हमने मैप करना है तो ए और बी का जो ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पर आएगा, और सी और डी का जो ग्रुप है, यानी कोई भी दो वेरिएबल्स जो दूसरा सेट है वेरिएबल्स का, उनका जो सेट है वो अपर साइड पर आएगा. और अब जो कि हमारे पास इनपुट्स थे अपर साइड पे, वो इस साइड पर भी आएंगे, लाइक 0 0 0 1 1 1 1 0. ये आप याद कर लें, सो इट बी बेटर कि हर वेरिएबल मैप में आप एलोकेट कर सकते हैं ईजिली. उसके बाद मेन टर्म्स को अगेन किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? M0, M1, M2, N3, M4, M5, M6, M7. ऑल राइट, इस तरह से. अब ए बी सी डी की वैल्यू देख लेते हैं वो किस तरह है. इस सेल में ए बी की वैल्यू भी 0 है, सी डी की वैल्यू भी 0 है, सो इट इज़ a-b-c-d-. इस सेल में ए बी की वैल्यू 0 है बट सी डी की वैल्यू जो है सी इज़ 0 बट डी इज़ 1, सो a-b-c-d. इस तरह से ये एलोकेशन कर लेते हैं हम, या हम कहते हैं वैल्यूज़ को हम वेरिएबल मैप में लिखते हैं. उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफाइंग के मैप्स, यानी के मैप्स को सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं. के मैप्स को जब सिंप्लीफाई करते हैं वो क्यों? ताकि बूलियन एक्सप्रेशंस की मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ हमें एक एक्सप्रेशन मिल सके. सो उसके लिए जनरली हम एक्सप्रेशंस की, हमें पता है वी हैव सॉप एक्सप्रेशंस जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं या नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं. सो अगर तो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन है तो हम डायरेक्टली जहाँ जहाँ उसकी वैल्यू बनती होगी उस के मैप में वहाँ वहाँ 1 लगा देंगे, और बाकी जगह हम 0 0 एंटर कर देंगे, और ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी. लेट्स सी अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इट. अब मेरे पास यहाँ एक एक्सप्रेशन है. इस एक्सप्रेशन को मैप करने के लिए या तो आप एज इट इज़ a-b-c को फाइंड आउट कर लें कहाँ बनता है और वहाँ 1 लगा दें,
या फिर आप इसकी बाइनरी कन्वर्ट कर लें. बाइनरी आपको पता है मिन टर्म में ए डैश का मतलब 0, बी डैश का मतलब 0 एंड सी का मतलब 1. तो बाइनरी लिख लें और फिर उसे मैप कर लें या एज इट इज़ मैप कर लें, इट इज़ अप टू यू. ओके, द वे यू फील इट कन्वीनियंट. फर्स्टली ए डैश बी डैश सी यानी 001 कहाँ बाइनरी बनती है, 0 and 01, दिस इज़. यहाँ मैंने 1 लगा दिया. उसके बाद देखते हैं कहाँ ये वैल्यू बनती है. अब हम क्या करें, ये मैपिंग कर रहे हैं, यानी जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ आती हैं के मैप में वहाँ वहाँ 1 पुट कर रहे हैं ताकि पता चले कि वहाँ वैल्यू मौजूद है, वहाँ ऑन कर रहे हैं बिट्स. 0 1 0 0 इस रो में 1 0 कहाँ है, ये है, यहाँ पे भी 1 लिख दिया. उसके बाद 1 1 0 यानी 1 की रो में 1 0 कहाँ है, दिस इज़, यहाँ 1 कर दी बिट. और उसके बाद 1 1 1 की रो में 1 1 1 ये यहाँ इनपुट कर दी वैल्यू 1. अब ये हमारे पास इस फंक्शन की मैपिंग है कि इस फंक्शन को अगर मैं के मैप में रिप्रेजेंट करूँ तो इस तरह से करूँगी. अब ये जहाँ बिट्स ऑन है इसका मतलब वहाँ वैल्यूज़ मौजूद हैं कोई ना कोई, और जहाँ 0 है इसका मतलब वहाँ कोई वैल्यू नहीं. अब ये 0 आप पुट करें या खाली रहने दें, इट डजंट मैटर, मोस्टली हम कुछ भी नहीं लिखते इन इन केस ऑफ मिन टर्म्स. उसके बाद एक 4 वेरिएबल के मैप की भी मैपिंग करके देखते हैं. ये एक 4 वेरिएबल के मैप है और एज़ यू कैन सी इसकी सारी टर्म्स में सब वेरिएबल्स कंप्लीट हैं. इसका मतलब ये एक स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन है. तो जस्ट डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ हम देखेंगे कि ए डैश बी डैश सी डी कहाँ बनता है, एज इट इज़ इनपुट कर लें या इसकी पहले बाइनरी फाइंड आउट कर लें एंड देन पुट कर लें वैल्यूज़, इट इज़ अप टू यू. सो ए डैश बी डैश उसमें सी डी की वैल्यू क्या है, सी एंड डी, दिस, यहाँ 1 पुट कर दिया. इसी तरह एक एक वैल्यू का की जगह हम बाइनरी वैल्यू 1 पुट करते जाएंगे एंड दिस इज़ हाउ दे आर मैप्ड. उसके बाद नाउ वी आर गोना मैप अ नॉन स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन. अभी तक हमें स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन दिए जाते थे और हम डायरेक्टली उनको लेते थे और वहाँ वहाँ जहाँ उनकी वैल्यू के मैप में बनती थी वहाँ 1 पुट कर देते थे. बट अगर हमें कोई नॉन स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन दे दिया जाए और हमें उसको इन के मैप में मैप करना है तो लेट्स सी हाउ वी डू इट. सो फर्स्टली हमें उस के मैप को, उस बूलियन एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. अब ये भी इट इज़ अप टू यू कि आप किस तरीके से उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, न्यूमेरिकल एक्सपेंशन से करते हैं या प्रीवियस जो मेथड्स करते आए हैं नॉन स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने का, कि आप मिसिंग टर्म्स को कंप्लीट करते हैं ए प्लस ए डैश से मल्टीप्लाई करके उस तरह करते हैं, या आप न्यूमेरिकल एक्सपेंशन से करते हैं. इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा मेथड लेते हैं. लेकिन एक नॉन स्टैंडर्ड को के मैप में मैप करने के लिए फर्स्टली हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. सो हेयर इज़ अ फंक्शन. अब आप इसकी टर्म्स को देखकर क्लियरली कह सकते हैं कि ये नॉन स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पर ए डैश है जो कि टोटल वेरिएबल्स 3 हैं, इसमें बी एंड सी 2 वेरिएबल्स मिसिंग है. सो मिसिंग वेरिएबल्स किस तरह से कंप्लीट करेंगे. ओके, अब ये एक्सप्रेशन है हमारे पास और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम इसकी मिसिंग टर्म्स कंप्लीट करेंगे. ऑल राइट, अब मैं इसके 2 मेथड्स आपको बताऊंगी. फर्स्टली इसकी मिसिंग टर्म्स कंप्लीट किए, दिस इज़ द जेनेरिक मेथड जो हम पहले से हम सॉल्व करते आए हैं जिस मेथड से. ओके, सो सबसे पहले हमने इसकी मिसिंग टर्म्स कंप्लीट की एंड हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन इस तरह से आया. आई डोंट थिंक दिस इज़ आई हैव टू एक्सप्लेन दिस. ये अर्लियर मेथड है जो हम करते आए हैं फॉर मिन टर्म्स कन्वर्जन टू स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन. उसके बाद इट इज़ अप टू यू इसकी बाइनरी कन्वर्ट कर लें और फिर बाइनरी के थ्रू आप इसकी वैल्यूज़ इनपुट कर लें, लाइक 0 1 1 कहाँ फॉल करता है, 0 में 1 1 दिस, यहाँ 1 पुट कर दें. इसी तरह इन सब की वैल्यूज़ जहाँ के मैप में फॉल करती हैं वहाँ इनपुट 1 कर दें. ठीक है, तो इस तरह से इसे के मैप में रिप्रेजेंट करें इस फंक्शन को. या फिर अब एक शॉर्टकट मेथड है या डायरेक्ट मेथड है, उसमें किस तरह से करते हैं कि सबसे पहली वैल्यू है उसमें ये सब स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली हम मैप करते हैं कि किस तरह से ए डैश को मैप करेंगे. ए डैश है, ए डैश का मतलब ये है कि 0 वैल्यू, ए की वैल्यू 0 किस रो में है, इस रो में, तो इस रो की सारी वैल्यूज़ को 1 कर दें. ठीक है, उसके बाद सेकेंड टर्म आती है ए बी बार, इसका मतलब 1 0, 1 ए की वैल्यू 1 किस रो में है यहाँ पर, और ए के वैल्यू 1 के साथ बी की वैल्यू 0 जिस कॉलम में है, 1
यहाँ पर बी की वैल्यू ज़ीरो है यहाँ वन कर दें, यहाँ बी की वैल्यू ज़ीरो है यहाँ वन कर दें, और इसी रो में वन बी की वैल्यू और कहीं ज़ीरो नहीं है तो और कहीं वन नहीं लिखना, ठीक है? क्योंकि सेकेंड टर्म, थर्ड जो टर्म है ए बी सी बार, अब इसकी बाइनरी क्या बनती है, वन वन ज़ीरो। अब सबसे पहले ए की वन है, इसका मतलब इस सेकेंड रो में बी और सी की वैल्यूज़ वन ज़ीरो, जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ वैल्यू वन कर दें, वन ज़ीरो यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू वन कर दें। तो इस तरह से डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी आप एक नॉन सॉप एक्सप्रेशन की मैपिंग कर सकते हैं इनटू अ के मैप। ऑल राइट, आई विल टेल यू हाउ, कहाँ हम ये डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, बट राइट नाउ प्रैक्टिस दिस वन मेथड, जहाँ हम पहले मिसिंग टर्म्स को कंप्लीट करते हैं देन उन्हें के मैप में मैप करते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव अ रिलेटेड प्रॉब्लम टू दैट, अगेन हमें एक नॉन स्टैंडर्ड सॉप एक्सप्रेशन गिवन है और हम उसको मैप करेंगे इनटू अ के मैप। सो आप यू हैव टू फॉलो दिस मेथड, फर्स्टली कि आप यहाँ पर इसकी मिसिंग टर्म्स कंप्लीट करें इन टर्म्स की, और फिर इसे मैप करें इस रिजल्टिंग एक्सप्रेशन को इनटू अ के मैप। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट मेथड डिस्कस करके दिखाती हूँ। सबसे पहले बी डैश सी डैश है, बी डैश सी डैश का मतलब ये है कि वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो हो बी एंड सी की, बी की वैल्यू ज़ीरो है यहाँ पर और सी की वैल्यू ज़ीरो, यहाँ वन लगा दें, बी की वैल्यू ज़ीरो सी की वैल्यू ज़ीरो यहाँ वन लगा दें। उसके बाद बी की वैल्यू तो ज़ीरो है लेकिन सी की वैल्यू यहाँ ज़ीरो नहीं है, इसके अलावा बी की वैल्यू यहाँ ज़ीरो है, नो यहाँ वन है, यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है और यहाँ ज़ीरो है, एंड सी की वैल्यू भी यहाँ ज़ीरो, तो यहाँ भी वन वन लगा दें। उसके बाद ए बी बार, इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू ज़ीरो, वन ज़ीरो ये यहाँ पर ए बी बार, तो इसका मतलब इस पूरी रो में वन 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 लगा दें। उसके बाद ए बी सी बार, वन वन ज़ीरो, वन वन में ज़ीरो कहाँ आता है, सी की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ यहाँ वन इनपुट कर दें, अगर कहीं ऑलरेडी वन लगा हुआ है तो उस सेल को स्किप कर दें। ए बी बार सी डी बार, इसका मतलब वन ज़ीरो वन ज़ीरो, वन ज़ीरो में वन ज़ीरो कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ वैल्यू ऑलरेडी वन है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इसी तरह यहाँ और इस एक्सप्रेशन को, इस टर्म को और इस टर्म को देखना। इस तरह डायरेक्ट मेथड के थ्रू मैपिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड हम यूज़ करते हैं जब हम बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, तो फिर हम इस तरह से कन्वर्टिंग नहीं करते स्टैंडर्ड सॉप फॉर्म में। बट राइट नाउ यू जस्ट प्रैक्टिस फर्स्टली कन्वर्टिंग अ नॉन स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड थ्रू दीज स्टेप्स एंड देन मैपिंग द फाइनल एक्सप्रेशन इनटू के मैप। ऑल राइट, and thank you, that's it for today's lecture. I hope now the k maps are clear and how a function could be mapped into a k map is done. All right, thank you so much, that's it.